नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना ने टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के बिल को दी मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन के तौर पर इनके नए रोल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का किया इजहार। सनअती शोबे में बेंगलुरु के मुकाबले हैदराबाद शहर तेजी के साथ तरक्की के सिमत गामजन। संजन साइंटिफिक सॉल्यूशंस के नए कैंपस की संगे बुनियाद। तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना हर फर्द की जिम्मेदारी। मिट्टी की मूर्तियों का करें इस्तेमाल। माहौलियात के तहफ्फुज़ पर शऊर बेदारी पोस्टर की रस्म इजरा के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। कई बरसों तक हुकूमत के बावजूद कांग्रेस ने तेलंगाना को तरक्की नहीं दिलाई। कामारेड्डी में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। ये ईडी का नोटिस नहीं है, मोदी नोटिस। नोटिस की इजराई सियासी हरबा। निजामाबाद में बीआरएस रुकने खानुसास कौंसल कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना में 1,40,000 मुलाजिमतें पैदा करने का सहरा वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। किशन रेड्डी की भूख हड़ताल महज दिखावा। बीआरएस एमपी लिंगैया यादव का मीडिया से खिताब। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज व चमक के साथ धुआंधार बारिश। बारिश की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना किया जब्त। और अब खबरें तफसील से। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीएसआरटीसी को रियासती हुकूमत में जम करते हुए इसके मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है। राजभवन की जानिब से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि गवर्नर ने इनकी 10 सिफारिशात पर हुकूमत के इकदाम का तफसीली तज्जिया किया जो मुलाजमीन की नुमाइंदगी और कॉरपोरेशन की बाहैसियत मजमुई बहबूद को मद्देनजर की गई थी। गवर्नर ने हुकूमत की जानिब से इन सिफारिशात पर तवज्जो दिए जाने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। गवर्नर ने तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए सरकारी मुलाजमीन के तौर पर इनके नए रोल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आईटी व सनत के तारक रामा राव ने कहा कि बेंगलुरु के मुकाबले हैदराबाद शहर तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा शानदार तरीके से तैयार किया गया है। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद जेनियम वैली में सेंजन साइंटिफिक सॉल्यूशंस के नए कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि काबिल और अच्छे सियासी कायदीन के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कंपनी की तौसे के लिए किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। केटीआर ने कहा कि सनत कायम करने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त पर अंदरून 15 दिन इजाजत दी जाएगी। हैदराबाद लाइफ साइंसेस का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में लाइफ साइंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरमाकारी हुई है। उन्होंने कहा कि यूरोप के मुकाबले हिंदुस्तान में लेबर चार्जेस बहुत कम है। लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी जल्द शुरू की जाएगी। रियासती वजीर के टी आर ने कहा कि संजन साइंटिफिक सॉल्यूशंस कंपनी 7.5 एकड़ पर तौसी कर रही है। के टी आर ने कहा कि कंपनी हैदराबाद में 788 करोड़ की सरमाकारी कर रही है जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के जरिए 1,000 अफराद को रोजगार मिलेगा और ये कंपनी लाइफ साइंसेज के शोबे में एक अहम कंपनी है। के टी आर ने कहा कि इस कंपनी के क्याम से हैदराबाद का लाइफ साइंस सेक्टर मजीद तरक्की करेगा। Globally, in their innovation journey through companies like Syngene and many others who have made Hyderabad their hub for research and development. They benefit from the extraordinary talent pool focused on chemistry, biology, genetics and technology that our city has to offer. It brings me immense joy to highlight that 90% of the workforce at Syngene's Hyderabad facility hails from the state of Telangana. I think that's a compliment also to the management here in the fact that they have chosen to go with the local talent rather than actually recruit from across other parts of the world. The company's commitment to diversity is further exemplified by the 25 science-based scholarships for women from underserved communities.
who are mentored by Syngene scientists based right here in Hyderabad. This program not only opens doors to careers in science, but also paves way for a network of empowered women professionals in the STEM opportunities. In a world where technology and innovation drive progress, I'm pleased to note that Syngene is at the forefront of digitization with all the labs in Hyderabad powered by electronic laboratory notebooks, ELNs. Today, we're not just celebrating groundbreaking and the remarkable growth of Syngene in Hyderabad, we're also celebrating the spirit of innovation, collaboration, and the vision for a brighter future. In this phase of expansion, I'm happy to note that Syngene plans to build additional world-class research labs, primarily focusing on drug discovery, that will create up to another 1,000 jobs. Our Honorable Chief Minister, Sri KCR's advice to all of us at the Industries Department has been extremely clear. Take care of the existing investors and they will become your biggest brand ambassadors, biggest champions. So whatever Kiran said to Jayesh, to me, we take it as a compliment to our Honorable Chief Minister. We take it back as a compliment to the wonderful people of our state. And thank you for reposing faith and thank you for continuing to invest. Because I strongly believe that Syngene's remarkable growth and repeat investments in Hyderabad will reinforce our efforts that government can continue to rely and lean on existing investors to further economic activity and create employment opportunities. As we celebrate. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने आवाम से विनायक चतुर्थी की तकरीबात के मौके पर मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों की पूजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने आवाम से आइंदा विनायक चतुर्थी की तकरीबात को इस नारे के साथ मनाने की अपील की है कि आओ मिट्टी गणपति की पूजा करें, आओ माहौलियात की हिफाजत करें। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट कलेक्टर के दफ्तर में मिट्टी की मूर्तियों के फवायद के बारे में अवाम से बेदारी पैदा करने के लिए आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जारी करदा पोस्टर की रस्म इजरा प्रोग्राम में मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने जिले कलेक्टर वेंकट राव और जिले SP राजेंद्र प्रसाद के साथ पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने वाजे किया कि यह वक्त त्योहारों के साथ रवायत के तहफ्फुज़ के साथ साथ समाजी जिम्मेदारी का भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सकाफत में फितरत की पूजा बहुत अहम है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो विनायक चतुर्थी त्योहारों के दौरान आलूदगी पैदा करने वाले और लोगों के लिए मसाइल पैदा करने वाले तरीकों को एक तरफ रखें और माहौलियात के फवायद को तरजीह दें और आने वाली नस्लों को साफ हवा, पानी और माहौल फराहम करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी, एडिशनल SP नागेश्वर राव, DSP नागाभूषणम और दीगर ने शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मौका देने की बात करती है जबकि मुल्क की आजादी के बाद इसने कई बरसों तक हुकूमत करने के बावजूद रियासत को तरक्की नहीं दिलाई। उन्होंने कांग्रेस से तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने वाजे किया कि अवाम कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करें। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और इसके बाद भी रियासत में तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की जरूरियात और मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जिसने हर गांव की पंचायत को ट्रैक्टर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-आला के चंद्रशेखर राव हल्के कामारेड्डी से इंतखाबी मुकाबला कर रहे हैं। इनकी कामयाबी के बाद आइंदा 3-4 वर्षों में कामारेड्डी की शक्ल बदल जाएगी। उन्होंने अवाम से आइंदा इंतखाबात में शानदार कामयाबी से पार्टी को हमकिनार करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि रियासत में जो तरक्की और फलाह व बहबूद आजादी के वक्त से नहीं हुई वो के चंद्रशेखर राव के वज़ीर-आला बनने के बाद हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद बिजली, आपाशी और पानी पीने के मसायल हल किए गए हैं। श्रीनिवास यादव जो कामारेड्डी के दौरे पर थे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिशन काकतिया के जरिए जेरे जमीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि देही निजाम और जातों को मजबूत करने के लिए कई फलाही स्कीमात मुतारफ करवाई गई हैं। BRS रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि इन्हें मोदी का नोटिस मौसूल हुआ है और चूंकि ये एक सियासी पार्टी की तरफ से भेजा गया नोटिस है जिस पर ज्यादा रद्दअमल जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के महकमा कानून को ED का नोटिस दिया है और महकमा की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने आज निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
कविता ने कहा कि ईडी के नोटिस मौसूल हुए हैं, ये नोटिसेस पार्टी की लीगल सेल के हवाले से कर दिए गए हैं। हम इनकी हिदायत के मुताबिक अगर आगे बढ़ेंगे, हमें पूरा यकीन है कि नोटिस सियासी एजेंडे के साथ दिए गए थे। इन्हें तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए नोटिस दिया गया था। ये केस गुज़िश्ता एक साल से जेरे दरियाफ्त है और वो नहीं जानते कि मजीद कितने साल तहकीकात होंगी। मुझे नहीं लगता कि 2G केस की तफ्तीश भी इतने लंबे अरसे तक हुई थी। तेलंगाना की आवाम इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये केस सियासी मकासद के साथ चल रहा है। हम पार्टी की कानूनी टीम के मशवरे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। रुकने कौंसिल के कविता ने कहा कि वो किसी पार्टी से मुलाकात नहीं की है, बल्कि वो सिर्फ तेलंगाना की आवाम और हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम वजीर आला के सीआर को चाहते हैं, इसीलिए दोनों पार्टियां खौफजदा हैं। हम किसी की भी टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि तहकीकात एक ना खत्म होने वाली टीवी सीरियल की तरह जा रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबी स्टंट के हिस्से के तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। कविता ने कहा कि अवाम इस पार्टी को सबक जरूर सिखाएंगे। స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మా పార్టీకి ఉండేటటువంటి లీగల్ టీమ్కి మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లీగల్ టీమ్ ఎట్లా చెప్తే దాని ప్రకారం మనము మెదులుకోవడం జరుగుతుంది. సో అది పెద్ద ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు. సంవత్సర కాలంగా టీవీ సీరియల్ లేక గుంజుతూనే ఉన్నారు. దీన్ని ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేయడానికి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పొలిటికల్. వీ విల్ టేక్ లీగల్. వెల్, ఐ రిసీవ్డ్ ఎ నోటీస్. వీ ఫ్రమ్ ది పార్టీ లీగల్ సెల్, we have given it to the party legal cell. We will go by their advice, and we strongly believe that it is politically motivated because of the charged up environment in Telangana, upcoming elections. I think I got a notice, but unfortunate it is, in the last 1 year there is investigation happening. I don't know how long it will happen. I don't think even 2G spread for so long, so it is unfortunate, but yet it is political and highly politically motivated. So people of Telangana will not take it seriously. We will, as a party, as responsible public representatives, we will seek legal recourse. We have given it to the party legal team. And we, देखिए, हम सिंपल सी बात बोलते हैं, हम किसी से भी मिले नहीं है. हम मिले हैं तो तेलंगाना की जनता से और भारत की जनता से. अब दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाती थी, उन दोनों का यही डर है कि KCR साहब को देश की जनता ज़्यादा चाहने लगी है. तेलंगाना की जनता तो कैसे भी चाहती है, वापस सरकार में ला रही है. तो अलग अलग एलिगेशंस वो लगाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एनी बडीज बी टीम. वी आर तेलंगाना पीपल्स एंड इंडियन पीपल्स ए टीम. ब्रदर, एज आई सेड, इट लुक्स लाइक ए टीवी सीरियल, नेवर एंडिंग टीवी सीरियल. सो आई हैव नो आइडिया वॉट इज हैपनिंग विद दैट. बट एंड ऑफ द डे पार्टी लीगल टीम विल एडवाइज अस एंड वी विल गो थ्रू देयर एडवाइस. सो इट इज नॉट ए बिग इश्यू और अ सीरियस इश्यू टू बी डिस्कस्ड. इट इज अ पोलिटिकली मोटिवेटेड समन. We will take a legal recourse on that. Well, as I said, it is clearly politically motivated. From the beginning, I have been saying the same thing, and it has been the modus operandi of Bharatiya Janata Party in any poll-bound state. So now Telangana is going to polls. The modus operandi has taken, again, kicked back in. So that is what we believe in, and we will certainly seek a legal recourse. We are a political party. We have a legal team, so we don't have to worry about it. BRS रुकने पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किशन रेड्डी बेरोजगारों के नाम पर दिखावे की भूख हड़ताल कर रहे हैं. रुकने राज्यसभा लिंगैया यादव हैदराबाद में मीडिया से बात की. उन्होंने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने मरकज में हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का जो वादा करके मुल्क में मुलाजिमतों को तबाह करने की तारीख रकम की है. उन्होंने कहा कि रियासत में 1,40,000 मुलाजिमतें पैदा करने का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है. उन्होंने मशवरा दिया कि एहतजाजी रियासती हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मरकज के खिलाफ होना चाहिए. लिंगैया यादव ने कहा कि किशन रेड्डी जो कि मरकजी वजीर हैं, इसके बावजूद उन्होंने तेलंगाना के लिए जो कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने कभी भी तेलंगाना की अवाम की उमंगों के लिए जद्दोजहद नहीं की और कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से बीजेपी नए रास्तों की तलाश कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क और रियासत में अपोजिशन का किरदार अदा करने की सतह पर नहीं है. उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमतों ने जो वादे करके धोखा दिया है और इन पर अमल नहीं किया. लिंगैया यादव ने वादे किया कि पार्लियामेंट के इजलासों में पेश किए जाने वाले पार्टी के लाहे अमल को वजीर आला के सीआर फैसला करेंगे.
మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకం పెట్టి త్రాగునీరిచ్చే కార్యక్రమం గాని, మిషన్ కాకతీయ గాని, ఇలా 2000 పింఛన్ గాని, రైతు బంధు గాని, రైతు బీమా గాని, కళ్యాణ లక్ష్మి గాని, కేసీఆర్ కిట్ గాని, అమ్మ ఒడి గాని, ఇటువంటి దళిత బంధు కార్యక్రమం గాని, చేతి వృత్తులకు బీసీలకు అన్ని కూడా గొర్రెల పంపిణీ గాని, గీత కార్మికులకు గాని, అన్ని వర్గాలను ఇలా ఆదుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఒక కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే ఈ యొక్క రాష్ట్రంలోని నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవన్నీ చూసి రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మళ్ళా కేసీఆర్ గెలుస్తాడనేటువంటి భయంతో ఆపద మొక్కుల కోసం వచ్చి తిరిగినట్టే కనపడుతుంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ నాయకులు. పోయినసారి డిపాజిట్లు రాలే బీజేపీ నాయకులకు. ఇవాళ అభ్యర్థులు దొరక్క తన్నులాడుకుంటారు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. ఇలా మా నాయకుడు ధైర్యంగా మేము ప్రజలు मोइनाबाद मेन रोड पर कंजरला जीवीएसआर मॉल में कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का क्याम अमल में आया. इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का इफ्तिताह अंजाम दिया. इफ्तिताही तकरीब में माजिद महमूद जंजवा के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की. मोइनाबाद रोड पर कोहिनूर स्पोर्ट्स का दुकान का इनाग्रेशन किया और ये लोग बड़े ख़ानदानी लोग हैं, बरसों से यही कारोबार करते आ रहे हैं. ख़ासतौर से जंजा स्पोर्ट्स बहुत मशहूर हस्ती थे और उन्हीं के अफराद ख़ानदान जो है स्पोर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं. और हमारे जावेद साहब को मैं दिल गहराई से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि अतराफ में काफ़ी स्पोर्ट्स की अकेडमी खुले हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए आते हैं. और यहाँ अगर स्पोर्ट्स का सामान मिला तो बहुत अच्छा, लोगों को जो है वक्तन जब भी ज़रूरत है मिल सकता है उसके लिए इस रोड पर, क्योंकि हैदराबाद से अच्छा काफ़ी मतलब फासला है. पर उसके बावजूद भी यहाँ पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले बहुत से लोग हैदराबाद से आते हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलत है यहाँ पर दुकान खुलने से. मेरी जानिब से दिल से मुबारकबाद है. हैदराबाद में आज शाम 5 बजे के करीब जबरदस्त गरज व चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई है. आज सुबह से ही मौसम अबर आलू था और दोपहर के बाद आसमान पर अचानक बादल छा गए और तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. कई मुकामात पर जोरदार आवाजों के साथ गरज व चमक और शदीद बारिश की वजह से शहर के अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई. बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होकर सड़कें झील सा मंजर पेश कर रही थी, जिसकी वजह से मोटर नशीनों को मुश्किल का सामना करना पड़ा. पुराने शहर और नए शहर के कई मुकाम पर बारिश का सिलसिला जारी रहा. मलकपेट, मूसीराम बाग, दिलसुख नगर, कोतापेट, सरोनगर, एलबी नगर, नागौल, उपल, सिकंदराबाद और दीगर मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश हुई. फैन के पुर्जों में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया. यह मुसाफिर कोलमपुर से हैदराबाद पहुंचा था. इसके सामान की तलाशी के दौरान 38,62,000 रूपये मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया. एक और मामले में पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम के हुकाम ने जब्त कर लिया. यह मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था. इसने 35,85,000 रूपये मालियत के 582 ग्राम सोने के बिस्किट्स अपनी पतलून में छुपाकर लाया था, जिसको कस्टम के हुकाम ने जब्त कर लिया. वाजरे के हालिया दिनों के दौरान जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात को कस्टम के अहदेदारों की चौकसी की वजह से बड़े पैमाने पर नाकाम बना दिया गया और जर्द धात की जब्ती अमल में लाई गई. निर्मल जिले बीआरएस पार्टी सदर व रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे इख्तदार के आगाज से ही तमाम तबकात के साथ इंसाफ पसंदी के साथ सियासत की है और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने दौरे इख्तदार के दौरान तेलंगाना रियासत की अवाम को तरक्की की वो बुलंदियों पर पहुंचाया है जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान भर में नहीं मिलती.
रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने मधुर मुस्तखर पर बाखे एमएलए गेस्ट हाउस में निर्मल जिले तानूर के नंदगांव और संगिनन गांव के मुख्तलिफ जमातों से वाबता तकरीबन 100 से जायद कारकुनान और साबिका सरपंच वार्ड मेंबरान की कसी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली, जहां मुकामी रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने बीआरएस पार्टी खंडवा पहनाते हुए इन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन जिनमें साबिका जेडपीटी तानूर उत्तम भावले राव, मंडल कन्वीनर पोथा रेड्डी, मंडल कॉप्शन मेंबर गोविंदा राव पाटिल, नंदगाम के सरपंच शेख अब्दुल गनी, धागाम सरपंच साईनाथ और सीनियर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। निर्मल जिला उदौ निजर्गम उदौ तालूक हेड क्वार्टर तानूर मंडल सिंगनगाम नंदगाम ग्रामस्थ इतर पार्टी बीआरएस पार्टी जॉइन कावे वारी मुख्य उद्देश्य मैं बीआरएस पार्टी मतलब तेलंगाणा राष्ट्रमे मैं इतर प्राता मरी अन्नी पक्ष रैतुक बीद बड़ वर्ग दलित न्याय से पार्टी बीआरएस पार्टी और बीआरएस पार्टी मैं बीआरएस पार्टी वाल मरी पल्ले ग्रामा अन्नी वसत कल मैं प्रति स्कीम अंदर लभिस्ट मरी इवीं सौकर्या इतर पार्टी लेने कारण मेमंत आकर्षित केसीआर गन मे गमी मरीजी बीआरएस पार्टी चेरी बीआरएस पार्टी ने इंका बलोतम चेयड़ा की कृषि वो मैं इंकोसारी केसीआर गारगवंत दूसरों प्रजा आशीर्वाद तपक उ मल्ल मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अकलियती सेक्रेटरी उमर जलील वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीला खान मुशीर हुकूमत तेलंगाना एके खान के हमरा आज हैदराबाद शहर में जेर तामीर अनिसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जेर तामीर अनिसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स जो तकमील के मरहले में है तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि अनिसुल गुरबा को तकमील के आखिरी मराहल में है जिसका अनकरीब इफ्तिता अमल में लाया जाने वाला है। बालानगर कॉरपोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने कहा कि हम नई तश्कीलशुदा कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। मुकामी कॉरपोरेटर और वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने बालानगर डिवीजन के हदूद में वाक़े दिलकश नगर में 12 लाख रुपए के लागत से तामीर किए जाने वाले जेर जमीन सेवरेज पाइपलाइन की तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर ने कहा अवामी फलाह व बहबूद को जहन में रखकर तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं और इस वजीर आला के सीआर की क्यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की के सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से सीसी रोड, कमेटी हाल की तामीर, पीने के पानी और नक्काशी आबी जैसी सहूलियात फराहम करने के लिए बगैर किसी समझौते के काम कर रहे हैं। इस मौके पर वाटर वर्क्स मैनेजर अनिल कुमार, कॉलोनी के सुदूर मोहम्मद मोहसिन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमील के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कॉलोनी के मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। बालनगर डिवीजन कॉरपोरेटर आवुल रविंदर रेड्डी साहब और हमारे बस्ती के बड़े लोग तमाम मिलकर आज ड्रेनेज का जो बहुत दिन से काम पेंडिंग था वो छोटे मोटे जो काम पेंडिंग थे आज वो भी काम कर दिए और कॉरपोरेटर साहब को लेकर जाकर एक जो गणेश मंडपम था जो हमारे एमएलए साहब एक फंड दिए थे तो वो बनाए दिए थे तो बनाने का भी इंस्पेक्शन करने के बाद से हमारे कॉरपोरेटर साहब आए थे और जो भी ड्रेनेज का काम था और जो ड्रेनेज के मसले मसाइल थे जो क्लीनिंग का मसला था वो तमाम चीज़ों के ऊपर आज कॉरपोरेटर साहब आकर इंस्पेक्शन करे कर क्या करे पूरा सैंक्शन करा कर गए और साथ साथ जो पानी का मसला जो था और पानी के साथ में और जो ट्रांसफार्म करंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो ओपन ट्रांसफार्म्स के पास जो बच्चों का ज़रा इंसिडेंट्स होने के गुंजाइश थे उसी के ऊपर भी आज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात कर हमारे बालनगर कॉरपोरेटर आवुल रविंद्र रेड्डी साहब आकर उस चीज़ को ऑफिसर से बात कर ये बताया कि वो काम जल्द से जल्द कराने के लिए काम। हैदराबाद शहर के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े हकीमपेट इलाके में पुलिस की जानिब से मुहासरा करके तलाशी ली गई। साउथ वेस्ट जोन
डीसीपी किरण ने बताया कि मुनासिब दस्तावेजात की अदम मौजूदगी और नंबर प्लेट्स के बगैर 102 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके अलावा एक घर पर छापा मारकर गैर कानूनी गैस के 12 सिलेंडर जब्त किए गए और एक बेल्ट शॉप पर छापा मारते हुए नाजायज कशीदा शराब की 115 बोतलें जब्त की गई। डीसीपी किरण ने कहा कि इन्होंने अवामी मुकामी से बात की है और इन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। आज यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन में हुमैनगर पुलिस स्टेशन में हकीमपेट एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंदर एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एसीपी आसिफ नगर वेंकट रेड्डी और साथ में हुमैनगर एसएचओ साइदेश्वर के लीडरशिप में यह कंडक्ट किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 130 मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के। इसमें कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हमारा काफ़ी सरप्राइज और सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमने टोटल हमें स्टोलन जो एक स्क्रैप शॉप था जासनी का स्टोलन जो मटेरियल है कॉपर वायर्स है वैसा नहीं का वो चोरी कर रहा था वैसा टाइप का हमें शॉप हमें मिला इस रेड में उसमें हमने सीज किया। और साथ में जो व्हीकल्स थे विदाउट नंबर प्लेट हो या इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो ऐसे टोटल 102 व्हीकल्स हमने यहाँ पे सीज किए। साथ में जो यहाँ पे राउडी शीटर्स है टोटल 13 राउडी शीटर्स और 6 सस्पेक्ट शीट यहाँ पे हमें मिले हैं। इसके अलावा इलीगल गैस फिलिंग के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हुए हमें उस पर ऐड किया। इसमें हमने टोटल 12 सिलेंडर्स और वेट यहाँ पे सीज किया है। अलॉन्ग विद डैट यहाँ पे हमें कोपटा में बेसिकली गुटखा हमें यहाँ पे मिले जो इलीगल गुटखा है। तो ओवरऑल ये ऑपरेशन जो है एक प्रॉपरली सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे लोगों के साथ भी बातचीत किया गया राउडी शीटर्स को काउंसिलिंग किया गया। इसके अंदर हम अभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो भी एक हकीमपेट एरिया है या अपना जो साउथ वेस्ट जोन एरिया है यहाँ पे सभी लोग किसी भी कोई बंदे को यहाँ पे आप अपने घर में अकोमोडेशन दे रहे या रेंटल पर्पज़ के लिए अपना घर दे रहे तो प्रॉपरली वेरिफिकेशन करें। कोई भी पर्सन ऐसा सस्पेक्ट पर्सन हो तो डेफिनेटली आप नेबरिंग पुलिस स्टेशन को बताइए एसएचओ को कॉल करके बताइए डायल 100 पे कॉल करके बताइए ताकि हैदराबाद शहर के माधापुर हाईटेक सिटी चौराहे पर आईटीडीपी के जेर एहतमाम साबिक वज़ीरे आला एन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया। चोरों ने 5 सेकंड में कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुडा में पेश आया। जिले के दामरचल्ला की ग्रैंड श्री होटल के करीब ठहरी गई कार के करीब दो चोर बाइक पर पहुंचे। इनमें से एक ने कार के शीशे को तोड़ते हुए कार में रखे हुए बैग की चोरी कर ली। इसका साथी बाइक पर ठहर कर यह मंजर देख रहा था। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कार के मालिक की जानिब से पुलिस से की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची जिसने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज का तजिया किया जिसमें ये वारदात कैद हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाशी ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त उछला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।